आप आज की यह खबर आपको परेशान कर सकती है। 20 शादी के 20 साल बाद दूसरे मर्द के साथ फरार हुई 3 बच्चों की माँ। 3 बच्चों को छोड़कर माँ प्रेमी के साथ हुई फरार। माँ ये वो शब्द है जिसका कोई अंत नहीं। माँ जो कभी हमें रोने नहीं देती। चोट हमें लगे तो दर्द उसे होता है, फिर चाहे वो इंसान हो या बेजुबान। माँ अपने बच्चों के खातिर कुछ भी कर सकती है। लेकिन कानपुर में एक ऐसी कलयुगी माँ दिखी जिसने माँ सब को ही कलंकित कर दिया। ये ताजा मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में सामने आया है, जिसको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल सुशील कुमार का विवाह साल 2002 में चकेरी में रहने वाली सरिता के साथ हुआ था। इस दौरान उनकी 3 बेटियां पैदा हुई। सबसे बड़ी बेटी की उम्र 15 साल थी, जबकि सबसे छोटी बेटी की उम्र 3 साल थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी इन पति पत्नी के बीच कोमल प्रजापति युवक के नाम से एंट्री होती है। बस यहीं से शुरू हुआ पूरा खेल। कोमल और सरिता के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगी और इन दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला, जिसके चलते सरिता ने मौका पाकर अपनी 3 बेटियों को छोड़कर अपने आशिक के साथ फरार हो गई। आपको बता दें, महिला ने अपने ही पति पर फर्जी मुकदमे दर्ज भी करवा दिए हैं। अब पीड़ित बच्चियां अपनी माँ के वापस आने का इंतजार कर रही हैं कि कब उनकी माँ उनसे मिलने आएंगी। यही आस लगाए बैठी हैं 3 बच्चियां। वहीं पुलिस कमिश्नर ने पूरे मामले को गंभीरता से लेकर संबंधित कर्मचारियों को जांच सौंप दी है। पुलिस ने पूरी खबर को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर का 4 मार्च 2023 का बताया जा रहा है। अब पीड़ित बच्चियां कर रही हैं अपनी माँ से मिलने का इंतजार। आखिर कब मिलने आएगी उनसे उनकी माँ, इस आस लगाए बैठी हैं 3 बच्चियां। मिलते हैं अगली सच्ची घटना को लेकर जल्द ही सिर्फ डीवाईएन न्यूज पर। अगर हमारी खबर आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर फेसबुक पेज पर इसे देख रहे हो तो उसे फॉलो कर दें। हमारी टीम ऐसी ही सच्ची घटनाएं लाती रहेगी और आपको सचेत करती रहेगी। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। आज के लिए बस इतना ही और मैं रमफातमा आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मुलाकात होगी एक ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।